जो ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन जितने लोग इंडिया की ट्रेनों में सफर करते हैं, ये जो सिविलाइजेशन थी अपने दौर में आज के जमाने से भी आगे की थी। ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी कंट्री के अंदर हर बंदे को उसका राइट मिले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन सेकंड पार्ट ऑफ व्हाई इज इंडिया ग्रेट। तो चलिए चल के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस दूसरे वाले पार्ट के अंदर कौन कौन से मजेदार फैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बाद में फिर हम इस पर बात करेंगे। और वीडियो को ओरिजिनल लिंक हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाई इज इंडिया ग्रेट टू? हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? व्हाई इज इंडिया ग्रेट? बिकॉज़ बाय ईयर 2022 विल डिस्ट्रॉय चाइनास पॉपुलेशन 1.4 बिलियन। वाओ, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, या हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल इश्यूज, टेररिज्म, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, लिटरेसी, राइट? नो नो नहीं। इसके पहले पार्ट में भी हमने रिएक्शन बनाया था। Amazing shots. हम उस देश के वासी हैं जहाँ अव्यवस्था में भी व्यवस्था है, और हमारा मंगलयान हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी से भी सस्ता है। पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुँचने वाला पहला देश भारत है, और चंद्रयान के बाद भारत वो पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेगा। एक वो दिन जब 1963 में हमारे पहले रॉकेट को एक साइकिल पर लाया गया। पागलपन भी बेशुमार होता है, क्योंकि कबड्डी वर्ल्ड कप इंडिया ने जीते। मैरी कॉम विश्व चैंपियनशिप में 600 पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज है। अभी बात की है कि क्रिकेट के जो इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, पूछता रहेगा इस दुनिया में सदियों तक ऐसा अंजाम लिखा है हमने। There is no country more diverse than India. रंगों का देश जहाँ हर दिन एक त्योहार है। हमारी कला, संस्कृति, सभ्यता इतनी समृद्धशाली। आज से 5000 वर्ष पूर्व जब विश्व में ज्यादातर सभ्यताएं खाना बदोश जीवन व्यतीत करती थी, सिंधु घाटी उन्नति के शिखर पर थी। जी, ये वो मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा ग्रंथ है। भारतीय सभ्यता और वेदों ने आज से कई हजार वर्ष पूर्व ये जो सिविलाइजेशन थी अपने दौर में आज के जमाने से भी आगे की थी। गायन, वादन और सभी कलाओं के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोनॉमी, बट इन दीस डेज वो दोस प्लेसेस आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला धार्मिक स्थल है, जहाँ जाति, धर्म, वर्ग और उम्र के दायरों से ऊपर उठकर हर रोज लगभग 1,00,000 लोगों को श्रद्धा से भोजन कराया जाता है। ऐसा देश जहाँ 3,00,000 से अधिक मस्जिदें, कुंभ मेला, द लार्जेस्ट गैदरिंग इन ह्यूमन हिस्ट्री, एक जहाँ पे योगा का वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था। जीसस की प्रेयर है, वाहेगुरु की अरदास है, रहीम की खीर है और राम का प्रसाद है। वाओ, समझ गया। इससे बेहतरीन जगह शायद ही कहीं और होगी। माना यहाँ थोड़ा बाय वन भरोसा एंड गेट 100% धोखा फ्री है। जगह जगह लंबी कतारें हैं और पेट्रोल पंप में तो सिक्योरिटी वार्निंग लिखी होती है। द यूज ऑफ सेल फोन्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और ठीक उसके बगल में लिखा होता है पेटीएम करो। नहीं है और तो और विश्व के
वाओ 75% भारत के लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी नर्मदा नदी के छोटे से टापू पर बनाई गई विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल, सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, एंटी ग्रेविटी हिल्स, द वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार, दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन, वैसे ट्रेन से याद आया यार, इतना सब कुछ इंडिया में है, मतलब नाकाबिले यकीन है कितनी जबरदस्त चीजें बताई है उन्होंने। जितने लोग रेलवे में ट्रेवल करते हैं उतनी तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। क्या बात है, मतलब ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन जितने लोग इंडिया की ट्रेनों में सफर करते हैं। भारत की जुड़वा बहने ताशी और नुंशी मलिक, जिन्होंने 23 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट सहित दुनिया के सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों को फतह कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। अमेजिंग यार, आउटक्लास, सुपर। दुनिया भर में जितना सोना है उसका 11% सोना तो केवल भारतीय महिलाओं के पास है। जबरदस्त यार, सबसे ज्यादा महिला पायलट्स भारत में, ये भी अमेजिंग है। हर भारतीय माँ डॉक्टर होती है विदाउट एमबीबीएस डिग्री, एंड वी हैव रिकॉग्नाइज्ड थर्ड जेंडर, एवरीवन इज गारंटीड देयर राइट्स इन आवर कंट्री। ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी कंट्री के अंदर हर बंदे को उसका राइट मिले। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारी दुनिया को जो सुनानी है, द बिजनेस टाइकून मुकेश धीरू भाई अंबानी, द रिचेस्ट इंडिविजुअल इन एशिया एंड 18th वेल्थीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वाओ, लक्ष्मी निवास मित्तल, द किंग ऑफ स्टील, रतन नवल टाटा, ओनर ऑफ जगुआर लैंड रोवर इन द टाटा ग्रुप, एंड सीईओ ऑफ गूगल, मास्टर कार्ड, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, पेप्सिको एंड मेनी मोर। अब कितने सारे मतलब ग्लोबल जो है ना जो प्रोडक्ट्स हैं उनके सीईओ सीईओ सॉरी सबके जो है ना वो इंडियन हैं। सबसे ज्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है इंडिया में, अता माजी सटकली 21st सेंचुरी फॉक्स, वार्नर ब्रदर्स, द वर्ल्ड डिज्नी भी बॉलीवुड में इन्वेस्ट कर रही है। कमाल है यार, आउट क्लास। डायमंड एंड जिंक माइनिंग से लेकर फिबोनाची नंबर्स, बाइनरी कोड और रूलर तक उस देश की देन है जहाँ जाति, धर्म, भाषा, बोली अलग अलग है, फिर भी सबका है सम्मान, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारा एक हिंदुस्तान। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर वाला देश, जिसने अपने 1,00,000 वर्षों के इतिहास में कभी किसी देश पर क्या खूबसूरत बात है यार। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है, उन युवाओं की रग रग में दौड़ता सुर्ख लाल रंग है भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहाँ फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं रहते, जमीने हिंद में उन्हें जवान कहते हैं। क्या बात, -53 डिग्री सेल्सियस की ठंड से लेकर 52.4 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी तैनात होकर देश की रक्षा कर सच में ना, मतलब देर आर गूज बम्स। वो जवान, वो सैनिक है भारत। मतलब मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन मेरी बाजुओं पे सारे जो है ना वो सारे बाल खड़े हैं। अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज है जो इस देश को एक महान देश बनाती है। दैट्स व्हाई इंडिया इज ग्रेट नेशन। और अगर आप रियली इंडिया इज ग्रेट इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है, तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। हाँ जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आई होगी। यार इस वीडियो के अंदर जितनी चीजें भी उन्होंने बताई है ना, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पास ही वो सब कुछ है, पूरी दुनिया के पास वो चीजें नहीं है, और यही चीज है जिसकी वजह से इंडिया इज ग्रेट।
तो बहुत ही खूबसूरत वीडियो, और यकीन मानो कि कई जगह ना मतलब कई चीज़ें सुन के जो है वो मतलब मेरे जो जिस्म का रुआ रुआ जो है ना वो खड़ा हो गया, एंड आई हैव गूज बम्प्स। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो अगले किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक बाकायदगी से पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।